हेलो फ्रेंड्स, आज 34 साइज का एक पार्टी वेयर ब्लाउज ड्राफ्टिंग एंड कटिंग करके दिखाऊंगी। तो उसके लिए पहले बैक पार्ट कट करना है। लेंथ 15 रखूंगी, अपने हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हो। ये 34 साइज का होगा, 34 साइज। उसके बाद इस पे शोल्डर में 3 रखूंगी, 3 इंच, और नेक लाइन 1.2, आर्म होल 5.7। अब ये दोनों पॉइंट को मिलाना है, इधर भी 3 इंच पे एक पॉइंट लगाना है। अभी छाती लेना है, 34 का चौथा हिस्सा लेना है, 8.5। उसके बाद 2.5 इंच ज्यादा, अपने हिसाब से या कम या ज्यादा ले सकते हो। अभी तीनों पॉइंट को मिलाना है। अभी आर्म होल का शेप देना है, ये लगभग 2.5 पे होगा आर्म होल का शेप। उसके बाद कमर लेना है, इधर टोटल 11 है, इधर 10 रखूंगी, 1 इंच कम कर देना है। ये हो गया। अभी नेक काट नहीं करूंगी, सिर्फ यही कटिंग करूंगी। अभी फ्रंट पार्ट कट करना है। अभी जैसे बैक पार्ट पे है पहले बिल्कुल वैसे ही पॉइंट लगाना है। उसके पहले इधर 3.5 इंच छोड़ देना है, ये 3.5 इंच। उसके बाद ये पॉइंट लगाना है। और इधर 2 इंच ज्यादा लेना है, 2 इंच। जितना छाती है 11 था छाती, कमर भी बिल्कुल 11 ही रखूंगी। ये फ्रंट पार्ट है, इस पे कम नहीं करना है 11। अभी सभी पॉइंट को मिलाना है। ये पॉइंट भी लगाना है नेक का। अब इसको हटा दिया। इसको सीधा मिलाना है। ये 3 टोटल हुआ, इधर 3 शोल्डर। अब इसको मिलाना है। इस फ्रंट का नेक डीप लेना है, मैं 6.5 रखूंगी क्योंकि ये हल्टर नेक होगा, इसलिए 6.5 पे लगाया। और इधर 2.5, अपने हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हो। अभी इस पे शेप देना है, इधर हल्का सा इस तरह से लेके आना है। ये शेप दिया। अब इसको कट करना है। ये जो आर्म होल है ये फ्रंट के लिए, ज्यादा नहीं करना है, जैसे बैक पे है बिल्कुल वैसे फ्रंट पे रखना है। अभी इस पे डार्ट का पॉइंट लगाना है। सबसे पहले 10.5 पे एक पॉइंट लगाए, ये टैक्स पॉइंट होता है। उसके बाद
इधर 3.5 दिया मैंने, 5 पॉइंट लगा दिया। आप 4 पे भी दे सकते हो, मैं 5 पे दिया। उसके बाद इसको सीधा मिलाना है, ये सीधा मिला दिया। 1.5 इंच का डाट लगाना है इधर, 1.5 इंच का, या अपने हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हो, 1 भी लगा सकते हो हाफ इंच करके, जिसको जितना अच्छा लगे वो अपने हिसाब से ये लगाए। फिर इसको मिलाना है, उसके बाद इधर भी 3.5 पे लगाना है। यहां से ऊपर की तरफ 5 इंच, फिर सीधा मिलाना है और इधर 2 इंच का देना है। यहां से इधर 1, यहां से यहां तक 1, ये 2 इंच का, फिर इसको मिलाना है। ये हो गया, इधर भी एक लगाना है 5 इंच तक। ये भी 1.5 इंच का होगा, टोटल 1.5 इंच। ये डॉट अपने हिसाब से लगाना है, ये हो गया। अभी नेक कट करना है, जो नेक है ये कट करना है। ये हो गया, ये इस तरह से आएगा। ये मैंने अभी सिंगल पार्ट काट किया फैब्रिक पे, मैं डबल पार्ट पे काट करूंगी 2 फोल्ड पे। अभी जो बैक पार्ट था इसको यहां तक काट कर देना है। यहां तक ये बैक पे कुछ नहीं रहेगा, ये ओपन रहेगा। ये है बैक पार्ट, ये पीछे इस तरह से ओपन रहेगा। सेकेंड पार्ट में मैं फैब्रिक पे कटिंग एंड स्टिचिंग करके दिखाऊंगी।